हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग आई एम गुलाब आई वेलकम यू वंस अगेन टू अनदर सेशन वे बाय टुडे एज यू कैन सी हियर वी आर गोना डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फाइनेंस करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट मंथ लास्ट मंथ में जितने भी हमने आर बी करा था उसका एक शॉर्ट रिविजन करेंगे यूजिंग द क्वेश्चन क्वेश्चन के थ्रू द एंटायर

And read any kind of current affairs. All of these facilities are available on this app. So, this app ko zarur download kijiye and make the most out of it. So, let's get started. So, there are certain questions and their answers. Hai. We'll be reading the questions along with the answers. ऑल ऑफ दीज न्यूज ऑलरेडी बिन डिस्कस्ड विन दास्ट मंथ ये बस एक छोटा सा रिविजन है सो दट इनकेस कुछ न्यूज फेड हो गए हूँ आपके दिमाग से दैटेबर प्लसिंग दर मंथ आरबीआई टू फोर सेवन सो दर्स्ट क्वेश्चन आर बी आई अलाउड मर्चेंट बैंक और पेमेंट एग्रीगेटर्स इनवॉल्ड

डेट अगर ऑनलाइन जो सेटलमेंट होती है डेटा ऑफ दस्टमर दियर बैंक रिलेटेड डेटा ओनली टिल नाइनटींथ से ज्यादा आप सेव नहीं कर सकते अदरवाइजी विल बी इम्पोज ठीक है अब मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन से फॉलोइंगूट

कैपिटल के क्या मेजर फॉर्म्स हैं इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो इन दोनों को आप पहले एलिमिनेट कर दो नाउ ना टॉकिंग अबाउट कैपिटल सो अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में क्या क्या आएंगे दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ कैपिटल बट एक्चुअल क्या होता है इक्विटी होता है बट अकॉर्डिंग टू आई आर डी आई अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल इंक्लूड्स टू थिंग्स फर्स्ट इज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दो इट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल बट उसको अदर फॉर्म्स बोला जाता है क्योंकि इट इज आफ्टर द इक्विटी कैपिटल राइट और यहाँ पे आपको पेमेंट करनी होती है सो अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल इंक्लूड्स योर प्रेफरेंस शेयर एंड दी सब ऑर्डिनेटेड सब ऑर्डिनेटेड डेट्स कुछ नहीं होते हैं जैसे नॉर्मल डेट्स होते हैं अगर उसके बीनीथ कुछ है दैट इज नॉन एज दब ऑर्डिनेटेड डेट नेम से ही क्लियर है सो अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल आर टू एंड फोर दैट इज ऑप्शन सी आई होप दिस इज क्लियर कन्फ्यूज मत होना कि प्रेसन शेयर कैपिटल भी एक तरीके का कैपिटल है, but उसको हम अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल बोलते हैं। Now let's move forward. Third question. This question says, recently RBI has released the financial inclusion index. Financial inclusion index आया था, आप सबको पता होगा। Digital payment index भी आया था, financial inclusion index आया था। For the financial year ending March 2022.

टली फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्री नो डाउट अभी हम बीच में हैं ऑलमोस्ट हमें बहुत आगे बढ़ना है नेक्स्ट हाउ मेनी पैरामीटर इन दी आर बी आई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स सिंपल तीन पैरामीटर्स हैं इसके सो दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज थ्री पैरामीटर्स यूजेज सो वी हैव यूज देन वी हैव एक्सेस एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन Or the financial services and the products. And third, the quality. the quality is a very peculiar plus important feature of the financial inclusion index because it talks about a qualitative feature. Quality means what is the level of consumer awareness or consumer protection provided while using the financial services. So, three parameters and based on this the index is prepared. Next, what is the weightage? ऑफ अवेलेबिलिटी एंड यूजेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेस तीन बताया मैंने आपको तो उसमें से एक का यूजेज पूछ वेटेज पूछ रहा है ना वेटेज जब भी, भी आप देखो प्लीज रिमेंबर इट बीट ऑफ सी पी आई डब्ल्यू पी आई वेटेज का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखा गया है कि पूछ लिया जाता है सो द वेटेज फॉर दिस इज फोर्टी फाइव परसेंट ठीक है सो so तीन है और तीनों का फॉर दिस इट इज सी फोर्टी फाइव परसेंट

नेक्स्ट नाउ दिस क्वेश्चन इज थोड़ा सा एप्लीकेबल बेस्ड द क्वेश्चन अगर रेपो रेट फिफ्टी बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होता है देन द स्टैंडिंग डिपोजिट फेसिलिटी रेट डैश बाय दैश बेसिस पॉइंट फ्रॉम द रेपो रेट अब देखो यहां पर एस डी एफ की बात की जा रही है स्टैंडिंग डिपोजिट फेसिलिटी

एम एफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसके अंदर आरबीआई और द और बैंक प्रोवाइड मनी टू दी इट दाइज टू इनफ्यूज लिक्विडिटी यहाँ पे लिक्विडिटी इनफ्यूज की जाती है बाय द बैंक एंड आरबीआई कमर्शियल बैंक के द्वारा ठीक है तो रेपो रेट हमारा फाइव है ठीक है तो अब एस इसके लिए आपको एस पता होना चाहिए एस हमारा फाइव है ठीक है और जो हमारा एम एस एफ है दिस इज फाइव पॉइंट सिक्स फाइव हमेशा याद रखना इसको और ये जो तीनों हैं इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी कॉरिडोर दिस इज द लिक्विडिटी कॉरिडोर वेर इन द मिडल वी हैव द रेपो रेट एंड ऑन वन एक्सट्रीम वी हैव द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी द टूल विच वी कैन यूज इन ऑर्डर टू सक आउट द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट

Now let's move forward to the next question, which says in the monetary policy statement for the month August 2022, what is the projected growth rate? What was the projected GDP growth rate for India? Simple one-liner, 7.2% and this rate, many agencies that rate the talks about the forecast of the GDP gave this 7.2% as the GDP forecast for India. Next.

प्लान्स so, तो अगर उनको लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना है दे विल गो फॉर एकोमोडेटिव एकदम से कम करना है दे विल गो फॉर हॉकिश न्यूट्रल एज अ नेम से कुछ नहीं है इट कैन इधर इंक्रीज और डिक्रीज टाइटनिंग भी वही है इट इज कैलिब्रेटेड विद्रोवल कैलिब्रेटेड विद्रोवल में क्या होता है इनिशियली यू हैव एकोमोडेटिव बट सिंस इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग देयरफॉर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज इंक्रीजेस देयरफॉर यू ट्राई टू टे थोड़े, थोड़े करके आप लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश करते हो दैट इज नॉन एस कैलिबरेटेड विड्रोवल इसके बाद टोटल क्या हो जाएगा वे बायूकआउट लिक्विडिटी एट वॉन्स बाई इंक्रीजिंग दीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज आर ट्रीटेड एज अ रेगुलेटेड एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुट्समैन स्कीम

डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोपरेटिव बैंक्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनील एंड एनबीएफ हमेशा रहेंगे अबाउट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी इन द रिसी स्टेटमेंट आया था देर इट हैज बिन डिस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्या होती है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हुई टू एसेस योर क्रेडिट

टे फॉर दिस स्कीम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्टर ऑप्शन सी नाउ नेक्स्ट हाउ मेनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई टेट चार को ही मिला है ए इज द करेक्ट आंसर कौन से ये चार है राइट एड नाउन इन दमेंट सेक्शन एक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सिविल

To allow standalone primary dealers to undertake foreign currency business for limited purposes. So, when this uh, statement that was released along with the monetary policy statement, said that primary dealers that are dealing in the forex transactions. They, are, they were allowed initially to work or transact in the foreign currency business only for a limited purpose. But now this

Now they are also going to undertake this in swaps agreement. Swaps, you have explained Right? You try to swap the interest payment or the principal amount for mutual benefit. Pura uska process. In video, mein, if you want in detail, I can talk about it. Third sentence says: Overnight index swaps are based on my word benchmark published by FBI. Absolutely true. जैसे लाइबोर होता है लंदन का इंडिया का माइबोर होता है द बेंच मार्क रेट सो टू एंड थ्री इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नाउ नेक्स्ट बहुत सारे हैं आराम से करेंगे एंड अंडरस्टैंड और इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा कहीं भूलते हो निकालो सारे अपने आर गए टू फोर सेवन के पी वहां पे देखो यू विल गेट इन नेक्स्ट इज रिसरटेमिनेशन ऑफ द इशूज रिलेटेड टू माई बोर ये भी उसी मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में आया था व्हाट डस माई बोर सेंस फॉर वेरी सिंपल वेरी लॉजिकल क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं वन मार्क का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कई सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा

स्टेटमेंट टू एंड थ्री गलत है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट बताने हैं ऑप्शन बी इज मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक टू बिकम ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक तो अब तक ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं आते थे कुछ कैड्यूल कमर्शियल बैंक और कुछ अर्बन कोऑपरेटिव डीलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्या उनका पर्पज है जैसे अगर इसकी बात करें तो दे कैन अंडर टेक एनी काफ फॉरन ट्रांजेक्शन बेट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ऐसे कैटेगरीज डिफाइन की गई है स्टेटमेंट और हमें

Small finance banks will have completed at least 5 years of operation as authorized dealer category 2. This is again wrong, 2 years. Hai. Unko authorized dealer category 2, do saal ke liye agar wo the, then they are eligible to be upgraded to authorized dealer category 1 bank. So the correct answer is option A, one only. Let's move forward question number 17. Question number 17 says, What is the minimum net worth requirement?

नेटवर्थ सिंपल इक्विटी माइनस ऑल योर इक्विटी सॉरी इट शुड बी योर टोटल 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 वैल्यू द एसेट्स एसेट्स हैविंग द लायबिलिटीज और इक्विटी इक्विटी आपके टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज नॉन एज द नेटवर्थ वो आपका कितना होना चाहिए 500 करोड सी इज द करेक्ट आंसर आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आंसर को बिफोर मी मी आंसरिंग यू कैन राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट से क्या करना है द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड एडवाइजरी कमिटी ऑन फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स एफ पी आई पे कोई एडवाइजरी कमिटी बनी होगी उससे रिलेटेड है इट विल बी अ मेंबर हेडेड एन दिस पर्सन रिटायर्ड डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आर बी आई अब देखो एफ पी आई एक ऐसा टॉपिक है

और ये 15 मेंबर कमेटी होगी नॉट 14 इट विल अगर आपको ये याद भी नहीं है 15, 14 मेंबर्स नहीं यू शुड बी वेरी क्लियर का बनाया हुआ है कमेटी so जब भी हो, उसका चेयरमैन का नाम आपको याद होना चाहिए द नेम ऑफ द चेयरमैन इज ऑल्सो रॉन्ग चेयरमैन कौन है के वी सुब्रमण्यम के वी सुब्रमण्यम इज द चेयरमैन फॉर दिस कमेटी The committee is constituted by RBI. Wrong, it is by SEBI. The committee will advise RBI. Again, Zoro tini RBI go nahi advise. The committee will advise SEBI on measures required to encourage FPI participation in the bond market. And the committee will also advise on the feasibility of new investment avenues for FPI. Logical, this is the correct statement. Only uh, four only option D is the correct answer.

अभी उसके क्वेश्चन है एंटिटीज रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड परमिटेड टू कैरी आउट लेंडिंग बिजनेस कौन से डिजिटल लेंडर्स नहीं होते सेकंड सेज एंटिटीज रेगुलेटेड बाय आरबीआई बट नॉट परमिटेड टू कैरी आउट लेंडिंग बिजनेस एंड एंटिटीज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई बट ऑथोराइज टू कैरी आउट लेंडिंग एज पर एनी अदर स्टेचुटरी रेगुलेटरी प्रोविजन वॉट इज इंपॉर्टेंट डिजिटल लेंडर्स के केस में चाहे कोई भी रेगुलेट करे उट दिजनेस so, वो हमारा ऑप्शन ए में आप देख सकते हो ऑप्शन ए में इधर ऑप्शन बी में दे आर नॉट पर आप एलिमिनेट कर दोगे और थ्री में दे आर अगेन ऑथोराइज दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन एंड थ्री विच ऑफ दू नॉट कॉन्स्टिट्यूट कौन कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है टू

अब जो भी आप लोन ले रहे हो या डिस्पर्स किया जा रहा है उस बैंक उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बीट एन बी एफ सी और रहनी है आप, आपको वो जो भी डिस्पर्समेंट हो रहा है इट शुड बी एक तो होगा फॉर श्योर जो पैसा ले रहा है बिटवीन द बोरोवर एंड द डिजिटल लेंडर ठीक है तो बिटवीन द बोरोवर एंड द डिजिटल लेंडर ऑल लोन डिस्बर्सल्स एंड रीपेमेंट्स ठीक है डिसबर्स करना है रीपे करना है डिजिटल ये देखा गया था कि लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं या फिर ये भी आंसर आई डोंडर्स होगा क्योंकि डिजिटल लैंडर्स कुछ ऐसे हैं जिसको आर बी आई रेगुलेट नहीं करता दो देर ऑथोराइज बाई सैट केस इट शुड बी बोरोड एंटिटीज दो उसके और बोरो के बीच में ही होना चाहिए किसी लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर के बीच में नहीं होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक है एक्सिस बैंक उसके थ्रू कोई एक कंपनी है लेट्स लेट्स टेक द ऑफ से एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप है और वो प्रोवाइड करे सो दिस ट्रांजेक्शन दिस पर्सनल एवरीथिंग शुड बी बिटवीन द बैंक एंड द रेगुलेटेड एंटिटी एंड द द नॉट एंडिंग सर्विस प्रोवाइडर ठीक है दिस वॉज हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल अगेन आई इज क्लियर टू यू आंसर एज पर द फ्रेमवर्क इशूड आरबीआई न्यू डिजिटल लेंडिंग प्रोडक्ट दैट इज एक्सटेंडेड बाई रेगुलेटेड द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन तो जो भी नया डिजिटल लेंडिंग प्रोडक्ट अगर आपका रेगुलेटेड एंटिटी बैंक आपको दे रहा है देन शुड बी रिपोर्टेड टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आंसर इज सी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो हमें क्रेडिट स्कोर बताते हैं उनको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू आरबीआई विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डीसीसीबी वॉट इज डीसीबी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक

The bank should have made a net profit during the preceding five years. This is wrong. Two years And a licensed DCCB should have completed at least three years of operation. This is correct. Three years tak At least one year kiya We have option: 1, 2, 4. So option B is the correct answer. Let's move forward. Question number 23. According to the recent guidelines,

इम्पोज ऑन द लास्ट फाइव इन अगेन दिस इज रॉन्ग दो साल का ही ऑपरेशन तीन साल के प्रॉफिट हो दो साल का कोई मॉनिटरी पेनल्टी नहीं होनी चाहिए दो साल कीव इन प्लेस एनी ऑफ दिफिक डायरेक्शन इशूड आर बी आई ड्यूरिंग द लास्ट थ्री इयर्स अगेन दिस इज रॉन्ग ये भी दो साल दो दो साल की लिमिट दी गई है वेरी इजी टू रिमेंबर बस ऑपरेशन इनकी तीन साल की होनी चाहिए तो तीनों स्टेटमेंट ही गलत हैं सो ऑल दी अब आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ठीक है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट व मैक्सिमम समर डी आई सी जी सी इसका फुल फॉर्म क्या है राइट इट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन ठीक है तो इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए बैंक जब भी बैंक लिक्विडेट होता है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज गारंटीड बाय डी आंसर इज सिंपल ऑप्शन ए पांच लाख पहले दो लाख था अब उसको पांच लाख कर दिया गया है कॉमर्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज अमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज साइन बिटवीन डैश एंड ओ एन डीसी ओ एनडीसी क्या आता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स उसका और यहाँ पे सबसे देखो वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात की है नहीं भी पता अगर आपको स्मार्ट गैस वर्क करना है दी आंसर शुड बी ऑब्वियस ए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बिकॉज इज पेरेंट हेड फॉर ऑल दी स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड द एम एम ईज इसीलिए इट इज द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बिन साइन बिटवीन सिडबी एंड ओ एनडीसी ओ एन डीसी स्टैंड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेक्स्ट रिसेंटली इन न्यूज वॉट ड एनडीसी स्टैंड फॉर अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन बता ही दिया मैंने आपको ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ठीक है वी हैव ऑलरेडी ऑल ऑफ दिस आपको पता ही होगा नाउ रिसेंटली बिच फिनटेक जॉइंट जॉइंट द ओएनडीसी नेटवर्क ओएनडीसी कुछ नहीं है इट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड वेयर बाय ऑल द सेलर्स ऑल द बायर्स दे विल जस्ट हैव वन प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट अगर सपोज आप एक बायर हो और सपोज एक प्रोडक्ट है जो मिंत्रा भी बेच रहा है फ्लिपकार्ट भी बेच रहा है एमेजॉन भी बेच रहा है और सब रैंडम एक्स वाई जी मीशो भी बेच रहा है तो अब आपको ऐसे एक प्रोडक्ट इससे एक प्रोडक्ट ऐसे नहीं आप किसी से भी खरीद सकते हो बाय यूजिंग दिस ओ एन डी सी ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स की प्लेटफॉर्म को यूज करके नाउ दे आस्किंग विच फिनटेक जायंट वाज द फर्स्ट टू जॉइन दिस ओ एन डी सी इट वाज नन अदर देन माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ने ज्वाइन किया था टू टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज

Which of the following has the highest weightage in WPI? Wholesale Price Index. Very simple, very easy question. इसको आपको पता होना चाहिए. We have also discussed this. So highest weightage WPI के केस में it is the manufactured products. Manufactured products की highest weightage होती है. अगर यही question पूछता कि CPI में किसकी है? CPI में बताओ किसकी है? It is food and beverages. CPI के केस में food and beverages हो जाता. ठीक okay? है? Next. Now consider the following statements. The weightage of CPI, the weightage of food in CPI is higher than that in WPI. Very obvious. Correct statement hai. Second, the WPI does not capture changes in the prices of services for services kohi capture. Karta. Again, the statement is correct. Third, the RBI has now adopted WPI as key measure of inflation to decide the key policy rates. Gala. पहले WPI यूज कर रहे थे इसको हम बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन आज की डेट में क्या है इट इज CPI ठीक है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया करेक्ट स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट Who publishes the data for CPI for agricultural laborers अब देखो बस CPI चाहे वो रूरल हो अर्बन हो या कंबाइंड CPI हो NSO रिलीज करती है उसकी ठीक है बट इफ यू टॉक अबाउट सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स या फिर रूरल वर्कर्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स उसके केस में इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट रिसेंटली आरबीआई लिफ्टेड द कर्व्स ऑन दर्क कार्ड नेटवर्क से कुछ इंपोजिशन uh, लगाए थे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए थे एंड अलाउड इट टू कंटिन्यू ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर्स फॉलोइंग इज कार्ड नेटवर्क किस कार्ड नेटवर्क पे आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगाए थे कि वो नए कस्टमर्स ऑन बोर्ड नहीं कर सकता तो यूजली मतलब पहले मास्टर कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस पे भी लगाया गया था पे भी लगाया था लगाया गया था इन दोनों पे पहले ही हटा दिया था रिसेंटली इट इज दमेरिकन एक्सप्रेस जिसको मना किया था दट यू कैन नॉट ऑन बोर्ड एनी न्यू कस्टमर्स बट रिसेंटली आर बी आई हैजफ्टड द रेस्ट्रिक्शन एंड नाउ दी कैन ऑन बोर्ड कार्ड नेटवर्क नेक्स्ट आई एस आई एन एज एल्फािकूनिकलीट यूनिकली आईडेंटिफाइज सिक्योरिटी लाइक स्टॉक्स एंड वॉन्स जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड है जो आपके बैंक अकाउंट को आइडेंटिफाई करता है यूनिकली सिमिलरली आई एस आई एन इज ऑल्सो ए नंबर दैट आइडेंटिफाइज सिक्योरिटीज चाहे वो बॉन्ड्स हो चाहे वो स्टॉक हो तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आई एस आई नंबर किया जाता है नई एस आई इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है स्टॉक मत माफ कर देना इट इज इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर याद रखो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट In the recent directive issued by SEBI, credit rating agencies are required to disclose a sharp rating action if the rating changes between two consecutive ratings. Sharp rating action क्या होता है? अगर आपकी rating बहुत ही frequently downgrade होती है, ठीक है? उसको बोलते हैं sharp rating action. तो उनको disclose करना है if the rating change between two consecutive ratings. Suppose एक rating दिया आपने BBB और एक आपने दी uh, CC. तो दो कंसेक्यूटिव रेटिंग एक्शन में मोर देन और इक्वल डैश डैश एंड डाउनवर्ड होना चाहिए सिंपल है अगर सपोज आपकी कोई रेटिंग कोई आपकी नंबर था कोई रेटिंग आपको मिली थी अगर वो डाउनग्रेड हो रहा है या अपग्रेड हो रहा है वो कितने से होना चाहिए सो दैट यू हैव टू डिस्क्लोज इट टू द तो आंसर इज सिंपल इट इज थ्री अगर थ्री नॉचेस से गिर रहा है सपोज मान लो ट्रिपल ए रेटिंग थी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट सेप्टेम्बर में आते आते ए बच गई दैट इज डबल ए को हमने हटा दिया एक ये हो गया और एक ये हो गया एंड नाउ योर रेटिंग इज ट्रिपल बी तीन नॉचेस डाउनवर्ड गया है ये ट्रिपल ए से ट्रिपल बी वन टू थ्री थ्री नॉचेस डाउनवोड

तो आर बोला है सर्टेन टाइम पीरियड विल बी गिवन टू यू अगर उस पीरियड में यू नीड टू वेट एंड टू कोट विद्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्रोवाइडिंग अगर वो तीन महीने तक नहीं करते देन यू कैन रिपोर्टेड और इसको बोलते हैं नॉन समीशन ऑफ एन डी एस नो डिफॉल्ट स्टेटमेंट तो द करेक्ट आंसर इज थ्री अगर थ्री मंथ तक नहीं करते देन you can

ऑप्शन विशिंग जूस चैकिंग फिशिंग विशिंग एंड हिचिंग। नाउ आर वेरी इंपॉर्टेंट जूस जैकिंग पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में आपकी प्रीवियस ईयरस उठा के देखो जूस जेकिंग क्या होता है अगर आपने ऐसे देखा होगा रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे देर आर स्विचेस जहाँ पे आप कनेक्ट करके यू कैन चार्ज योर फोन ट इन ऑर्डर टू चार्ज योर फोन आपके फोन से डेटा भी ट्रांसफर हो जाते हैं फिशिंग और विशिंग है नाउ दिस आर वेरी कंफ्यूजिंग अगर बात करूं याद कैसे रखना है अगर कहीं भी लिंक की बात हो वेबसाइट की बात हो इट इज फिशिंग फिशिंग की बात की जा रही है ठीक है नेक्स्ट इट इज अ प्रैक्टिस वर इंपोस्टर्स कॉल अगर कॉल की बात करती सिंपल अगर कॉल के थ्रू फ्रॉड हो रहा है देन इट इज विशिंग ईमेल्स या एसएमएस के थ्रू बात हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज विशिंग सो द करेक्ट आंसर इज ए विशिंग एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे Now, this question says, dash is a term used to describe innocent victims who are duped by fraudsters into laundering stolen or illegal money via their bank accounts. अगर mm -hmm. innocent victims कैसे? Suppose एक बहुत बड़ा fraudster है, उसने खुद के account में फिरौती नहीं मंगा के, trying to take out money from another person की, there is a work for you, आपके account में इतना पैसा आएगा, you're not gonna ask me कहाँ से आया, क्यों आया, you need to transfer it to me. और सम अदर अकाउंट उसके बदले आपको कुछ कमीशन मिल जाएगा सच इनोसेंट पर्सन जिनको पता नहीं होता इनकेस इफ पुलिस गेट्स टू नो जो फ्रॉडर होता है वो बच जाता है क्योंकि पैसे उसके अकाउंट में नहीं आए थे पैसे इनके अकाउंट में आए थे वो उनसे कैश ले लेता है तो ये लोग फंस जाते हैं टर्म गिवेन टू दे आर नॉन एज मनी म्यूज ये याद रखना मनी म्यूज म्यूज आपको पता ही होगा राइट right? मनी म्यूज है इसका नाम हिंदी में गधे जिसको बोलते हैं सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे दिज क्वेश्चन दोबारा इनकेस ऑफ एनी डाउट यू कैन राइट इट डाउन इन दमेंट सेक्शन कोई आंसर आपको लगता है कि ये नहीं ये होना चाहिए दैट ऑल्सो यू कैन क्लैरिफाइफ यू आर एन एनरोल्ड स्टूडेंट यू कैन मेक यूज ऑफ द डिस्कशन फॉर हम अदरवाइज दमेंट सेक्शन इज अवेलेबल टू यू So keep learning. This was all for today and take care. Bye bye.